और कच्चा चट्टा में इस वक्त की बड़ी खबर इज़राइल से आ रही है। अमेरिका को ये खौफ है कि अब युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकता है और इसी को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इज़राइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से मुलाकात भी की। इज़राइल की राजधानी तेल अवीव में हुई मुलाकात के दौरान ब्लिंकन ने कहा कि अब जरूरत है कि इस युद्ध का दायरा ना बढ़े और जल्द से जल्द इसका समाधान भी निकाला जाए। साफ है कि अमेरिका बहुत ज्यादा इस वक्त दबाव में है। और इस बीच नेतन्याहू के ऑपरेशन खल्लास ने हमास से हिजबुल्ला तक हड़कंप मचा दिया। नेतन्याहू की टारगेट लिस्ट में 10 कमांडर्स के नाम शामिल हैं, जिसमें कई मारे भी जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट को लेकर ईरान ने मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला भी कर लिया है। खल्लास शुरू हो चुका है। ऑपरेशन खल्लास में 10 बड़े कमांडर टारगेट पर हैं और कई मारे जा चुके हैं। कौन जिंदा है, कौन मुर्दा? नेतन्याहू की लिस्ट हमास और हिजबुल्ला को डराने लगी है। सबसे बड़ा नाम नसरल्ला, हिजबुल्ला का कमांडर मुस्तफा बद्रेद्दीन, हिजबुल्ला का वैसम अल ताबिर, ईरान का जनरल कासिम सुलेमानी, जिसकी हत्या 2020 में ही अमेरिका के ड्रोन हमले में की जा चुकी है, हिजबुल्ला का कमांडर इमाद मुक्रिया, इज़राइल ने इमाद को 2008 में मार डाला था, सालेह अल अरूरी, हमास के डिप्टी चीफ को इज़राइल ने हाल ही में खत्म कर दिया, हमास चीफ इस्माइल हानिया बाकी है, याया सिनवार हमास का सबसे खतरनाक कमांडर जिंदा है या मुर्दा, ये इज़राइल भी नहीं जानता। हमास का पूर्व चीफ खालिद मेशाल, ऐसे 10 बड़े चेहरे हैं जिसे नेतन्याहू इज़राइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल मानते हैं और उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं। इन 10 शहरों में वो आधे का सफाया भी कर चुके हैं, लेकिन बचे हुए लीडर और कमांडर ने इज़राइल की नाक में दम कर रखा है। इस युद्ध में भी हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला हो या फिर हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया, सब कुछ इन्हीं के इशारे पर हो रहा है। यही वजह है कि इज़राइल की सेना गाजा से लेकर लेबनान तक ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। तारीख 3 जनवरी 2023, जगह लेबनान की राजधानी बेरूत। हमास के डिप्टी लीडर साले अल अरूरी की बेरूत में ही ड्रोन स्ट्राइक में मौत हुई है। तारीख 8 जनवरी 2023, जगह दक्षिणी लेबनान। मारा गया हिजबुल्ला का बड़ा कमांडर वैसम अल ताबिर, इसकी भी इज़राइल के एयर स्ट्राइक में मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर नेतन्याहू का ऑपरेशन खल्लास तेज हो गया है। एक तरफ लेबनान और दूसरी तरफ गाजा, आईडीएफ की बमबारी, सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़कर हिजबुल्ला और हमास के द एंड वाले ऑपरेशन पर पहुंच चुकी है। गाजा से लेकर लेबनान तक इज़राइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। इज़राइल के टारगेट पर हमास और हिजबुल्ला के साथ ईरान के 10 टॉप कमांडर हैं। यही वो 10 सबसे बड़े दुश्मन हैं जिसे नेतन्याहू किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि नेतन्याहू को मालूम है कि जब तक इनमें से कोई भी एक जिंदा रहेगा तब तक इज़राइल के लिए वो खतरा बना रहेगा। हमास और हिजबुल्ला के टॉप कमांडर्स को इज़राइल की मोसाद खुफिया एजेंसी और उसकी सेना बहुत शिद्दत से तलाश रही है। इज़राइल ने युद्ध का दायरा गाजा से लेकर लेबनान तक पहुंचा दिया है। ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है, सबसे लेटेस्ट शिकार बना है,
हिजबुल्ला का वो कमांडर जिसे लेबनान में कासिम सुलेमानी का खास माना जाता है। कमांडर वेसम अल ताबिल को इजराइल ने एयर स्ट्राइक में मार डाला है। ताविल हिजबुल्ला की स्पेशल फोर्स रादवान का कमांडर था। उसके पास जिम्मेदारी बड़ी थी, यानी इजराइल को टक्कर देना, उस पर हमले बढ़ाना। इसलिए उसे दक्षिण में यानी इजराइल की सीमा पर ऑपरेशन का चार्ज दिया गया था। हिजबुल्ला का कमांडर वेसम अल ताविल एक कार में सवार था। वो बहुत खुफिया तरीके से एक लोकेशन पर जा रहा था, तभी इजराइल ने उस पर एयर स्ट्राइक की। 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध से लेकर अब तक हिजबुल्ला के करीब 130 लड़ाके मारे जा चुके हैं, जबकि वेसम अल ताविल की मौत ने नसरल्ला को बड़ा झटका दिया है। दक्षिण लेबनान यानी इजराइल के बॉर्डर पर हिजबुल्ला की लड़ाकों की कमर टूट गई है, क्योंकि ये बात नसरल्ला बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वेसम अल ताविल की तरह उन्हें दूसरा कमांडर मिलना मुश्किल है। इस वक्त जब हमास के साथ ही इजराइल की सेना हिजबुल्ला से भी युद्ध कर रही है, तब उनके लिए वेसम अल ताविल जैसे कमांडर बहुत जरूरी बन गए हैं। वेसम अल ताविल को दक्षिण लेबनान के बॉर्डर पर लंबे वक्त से तैनात किया गया था। उसे यहां का चप्पा चप्पा मालूम था। वो जानता था कि इस मोर्चे पर इजराइल को कैसे हराया जा सकता है। ताविल की तस्वीर हसन नसरल्ला के साथ भी है, ताविल की फोटो कासिम सुलेमानी के साथ भी है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला अपने इस कमांडर पर कितना भरोसा करता है, उसे आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। नसरल्ला दक्षिणी लेबनान में युद्ध से जुड़ी जानकारी सीधे वेसम अल ताविल से लेता था। ताविल पर ना सिर्फ हिजबुल्ला चीफ का भरोसा था, बल्कि हर उस शख्स से था जिसका वास्ता कहीं ना कहीं हिजबुल्ला है, और इस वक्त इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्ला का हर ठिकाना है।